Hello, my dear students. Welcome again in my YouTube channel. So, in this lecture, we are going to discuss about water plant water relationships. Okay. So, plant और water में क्या relation है? किस तरीके से water का transport होता है? आखिर किस तरीके से इनके आपस में बीच का relationship है? अगर हम लोग बात करें water की तो essentially सभी physiological activity के लिए और बहुत ही important role है water का सभी living organisms में. ये क्या करता है मीडियम को प्रोवाइड करता है इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड. जो प्रोटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें कि वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व सेवरल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड. A watermelon has over 92% water. Most herbaceous plants have only about 10 to 15% of its fresh water or dry as a dry matter. ज्यादातर plants में आप देखेंगे तो 10 से लेकर 15% तक जो plant का जो dry weight होता है वो उसका अपना होता है बाकी उसमें water होगा. So distribution ये जो water का है within a plant vary करता है. Woody plants parts में have relatively very little water while soft parts contain मोस्टली कंटेन जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है वॉटर होता है. ठीक है. सो देखिए कोई भी अगर हम लोग सीड की बात करें ए सीड में अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज वॉटर अदरवाइज इट वुड बी नॉट बी अलाइव. अगर हम लोग सीड की बात करें वो ड्राई आपको दिख सकती है लेकिन उसके पास ड्राई कंडीशन में भी कुछ ना कुछ वॉटर जरूर होगा. ओके अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव. अगर उसके पास वाटर सारा का सारा खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी अलाइव ही नहीं रह जाएगी. ओके सो अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें तो दे टेक अप ह्यूज अमाउंट वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट थ्रू इवापोरेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म आ रहा है. देखिए ट्रांसपिरेशन को आप समझ लें अच्छे से. ट्रांसपिरेशन का मतलब डोंट गेट कंफ्यूज विद द इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. तो देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है ट्रांसपिरेशन में जो प्लांट्स हैं उनका जो एरियल पार्ट है वहां से वाटर का लॉस होगा. वो लीफ भी हो सकती हैं स्टेम्स भी हो सकती हैं कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. जो एरियल पार्ट है प्लांट का वहां से पानी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. और किस फॉर्म में होगा वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कि वाटर वेपर के फॉर्म में. इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ड्रॉपलेट्स की बात हम लोग करते हैं किस में करते हैं स्टूडेंट्स गटेशन में. यहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में होगा गैशियस फेज में वॉपर वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा. और अगर हम लोग इवापोरेशन की बात करें इवापोरेशन किसी भी वाटर बॉडीज में हो सकता है जैसे प्लांट्स पॉन्ड्स हैं लेक्स हैं रिवर्स हैं स्ट्रीम्स हैं कहीं पे भी हो सकता है. सो इमेच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 liters ऑफ वाटर. अगर हम कॉर्न प्लांट की बात करें तो लगभग 3 गुना पानी ये एब्जॉर्ब करता है. एक मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर अपने ओन वेट के बराबर इन 5 hours. बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ वाटर इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर. यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि नेम द लिमिटिंग फैक्टर विच इज फाउंड इन प्लांट्स फॉर ग्रोथ. अगर प्लांट में वाटर नहीं है आपने देखा कि वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है तो आप इसको लिमिटिंग फैक्टर भी मान सकते हैं. तो यहां से कई बार कॉम्पिटिटिव और आपके एकेडमिक एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वाटर पोटेंशियल. तो देखिए वाटर पोटेंशियल पोटेंशियल का मतलब होती है ताकत या फिर आप बोल सकते हैं क्षमता. ठीक है. वाटर को होल्ड करने की क्षमता या वाटर के मूवमेंट कितना हो सकता है हम लोग इसको समझेंगे. देखिए प्लांट वाटर रिलेशनशिप का अगर हम कंसेप्ट समझें तो जो वाटर पोटेंशियल है जिसको हम लोग साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल है टू अंडरस्टैंडिंग द वाटर मूवमेंट. सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेशर पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं साई पी से. सॉल्यूट स्टूडेंट्स आपको पता होगा सॉल्यूट जैसे कि वाटर में हो सकता है शुगर हो सकती है. ठीक है. सॉल्ट हो सकता है सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम होता है जिसको सॉल्वेंट में डाला जाता है. दोनों को मिला के क्या बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं.
ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं वाटर पोटेंशियल का, साई पी इक्वल्स टू साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई पी प्लस साई एस। अब अभी हम लोग आगे रिलेशनशिप को समझेंगे। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर उनका मास और उनकी वेलोसिटी। ठीक है, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में इनका रैंडम मूवमेंट होगा, दैट इज बोथ रैपिड एंड कॉन्स्टेंट। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मूवमेंट कैसा है, रैपिड है और कॉन्स्टेंट है। ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सिस्टम, ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। ग्रेटर द पानी का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में बोल सकते हैं। इसका मतलब प्योर वाटर विल हैव ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, इसका मतलब सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका होगा, प्योर वाटर का। क्यों? क्योंकि उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिजल्ट इन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विद हायर एनर्जी वन विद द लोअर एनर्जी। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन या फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हाई वाटर पोटेंशियल टू वन विद द, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा और जहां पे वाटर पोटेंशियल कम होगा वहां से वहां पे इसका मूवमेंट होगा। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन में मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया भी था। तो जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई से, एंड इट इज एक्सप्रेस इन प्रेशर यूनिट्स एज पास्कल। अगर हम लोग बात करें वाटर पोटेंशियल की तो हम लोग एक ग्रीक सिंबल यूज करते हैं जिसको साई बोलते हैं, और इसको एक्सप्रेस करते हैं यूनिट्स पास्कल में। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो वाटर पोटेंशियल होगा प्योर वाटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर में विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। तो जो वाटर पोटेंशियल है साई डब्ल्यू, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्योर वाटर का साई डब्ल्यू कितना होता है तो आपको आंसर देना होगा जीरो। आगे चलते हैं। इफ सम सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर वाटर, मान लीजिए आपने यहाँ पे किसी बीकर में यहाँ पे क्या लिया हुआ है, प्योर वाटर लिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें कुछ सॉल्यूट को ऐड करना है। ठीक है, जब आप इसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे, इफ यू ऐड सम सॉल्यूट तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सॉल्यूट ऐड करने पे क्या होगा, जब आप सॉल्यूट ऐड करेंगे यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ, आपने यहाँ पे सॉल्यूट ऐड करा, इफ सॉल्यूट इज एडेड डिजॉल्व इन प्योर वाटर द सॉल्यूशन हैज फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल। अब उसके पास जब आप सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं तो उसके पास वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, कंसंट्रेशन पानी का घटता जाएगा, और जिसकी वजह से जब पानी का कंसंट्रेशन घटेगा तो जो साई डब्ल्यू है वाटर पोटेंशियल है वो भी घटने लगेगा। इसलिए सभी सॉल्यूशंस, ऑल सॉल्यूशंस हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। जिस तरीके से इसका हम लोगों ने साई डब्ल्यू घटाया है, किसकी वजह से घट रहा है, क्योंकि साई एस को हम लोगों ने बढ़ाया है, सॉल्यूट का पोटेंशियल बढ़ाया है। तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो काफी लो होता है प्योर वाटर से। इनका जो मैग्नीट्यूड है लोअरिंग का ड्यू टू डिसॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे, साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने वाला है कि साई एस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर इज द साई एस, जितना सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे तो उसकी जो साई डब्ल्यू की साई एस की जो वैल्यू है वो कब सबसे कम होगी। लोअर का मतलब ये क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी। आपको पता है जितनी ज्यादा निगेटिव होती है उतना कम होता है वैल्यू। अगर मैं आपसे मैं पूछ लूँ -10 और -40 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप -40 को छोटा बोलेंगे। देखिए साई एस घट रहा है, मतलब पहले -10 था फिर -40 हो जा रहा है, इसका मतलब साई एस क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, मोर निगेटिव होता जा रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई एस इज इक्वल टू साई डब्ल्यू। अगर हम किसी सॉल्यूशन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करें तो सॉल्यूट का पोटेंशियल है वो वाटर पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, साई एस इक्वल्स टू साई डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग बात। इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दें किसी प्योर सॉल्यूशन पे तो वाटर का पोटेंशियल जो है वो घट जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं,
it is equivalent to pumping water from one place to another. Can you think of any system in your body where pressure is built up? Pressure can build up in plant system. When water enters in cell due to diffusion, diffusion का मतलब molecules का movement हो रहा है from higher concentration to lower concentration. इससे यहाँ पे क्या होगा? Pressure build up होगा cell wall के against. और जिसकी वजह से cell कैसी हो जाएगी? Turgid. Turgid is the maximum water holding capacity. Turgid state को बोलते हैं. Maximum water holding capacity. ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया कि ये जब प्रेशर हम लोग बिल्ड करेंगे तो वाटर एंटर करेगा प्लांट सेल में डिफ्यूजन की वजह से, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होगा और उसको टर्जिड बना देगा. और इसकी वजह से जो प्रेशर पोटेंशियल है, जो साईपी है, वो बढ़ जाएगा. ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव. प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है दो इन प्लांट्स. नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन द जाइलम प्ले अ रोल इन द वाटर ट्रांसपोर्ट अप स्टेम एंड प्रेशर पोटेंशियल इज डोनेटेड बाय साईपी. आपको एक रिलेशन मिलेगी, जो वाटर का पोटेंशियल है वो सॉल्यूट प्लस प्रेशर पोटेंशियल के बराबर है. साई पी इक्वल्स टू साई डब्ल्यू माइनस साई एस. या आप याद रखेंगे, जो वाटर का पोटेंशियल है वो सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होगा. तो जो वाटर का पोटेंशियल है वो सॉल्यूट से भी अफेक्टेड होगा, प्रेशर से भी अफेक्टेड होगा. इसलिए एक रिलेशनशिप हमें मिली है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स. अगला लेक्चर हमारा स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस पर होगा, और ऑस्मोसिस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस के कंसेप्ट को समझेंगे, और उसके बाद मैं आपको इम्बिबिशन का कंसेप्ट बताऊंगी. उसके बाद हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को समझेंगे, और फिर हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, पूरी मैकेनिज्म समझेंगे कि प्लांट जो है वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, वाटर मूवमेंट इन अप टू अप इन अ प्लांट, कैसे वाटर का मूवमेंट होता है किसी भी प्लांट में, रूट हेयर से एंटर करता है, और ट्रांसपिरेशन को समझेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है. हालांकि मैंने आज के इस वीडियो में आपको बेसिक्स ऑफ ट्रांसपिरेशन बता दिया, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या इन्होंने कंप्रोमाइज करा है एक दूसरे के साथ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. लगभग 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हम लोग खत्म करेंगे. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा. अगर आपने ये मेरा वीडियो लाइक किया है तो आप प्लीज हिट द लाइक बटन, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल.